हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ईरान में क्रैश हुए प्लेन की बात करेंगे। क्या ये प्लेन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से क्रैश हुआ था या फिर ईरान की मिसाइल ने इस प्लेन को हिट किया था? जिस दिन ईरान ने सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए यूएस के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया था, उसी दिन ईरान से यूक्रेन जा रही फ्लाइट अचानक से ही क्रैश हो गई थी, जिसमें 176 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा लोग ईरान के ही थे। ईरान के 82 और कनाडा के 63 लोग इस क्रैश में मारे गए थे। शुरू में यूक्रेन और ईरान दोनों की ही तरफ से कहा गया कि कुछ टेक्निकल खराबी आने की वजह से ये फ्लाइट क्रैश हुई है, लेकिन थोड़े समय बाद ही पूरी दुनिया में ये बातें होने लगी कि ईरान की मिसाइल ने ही इस प्लेन को गिराया है। जिसके बाद दुनिया के कुछ बड़े लीडर्स ने भी सामने आकर बताया कि उनके पास इस बात के पक्के एविडेंस हैं कि ईरान की मिसाइल ने ही इस प्लेन को गिराया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, जो भी हुआ है गलती से हुआ है। We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. पहले ईरान इस बात को मानने से ही इनकार कर रहा था, लेकिन जब पूरी दुनिया में बातें होने लगी तो ईरान ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे, जिसके बाद ही सच सामने आ पाएगा। लेकिन अब ईरान ने ये मान लिया है कि उसकी गलती की ही वजह से एक मिसाइल लॉन्च हो गई और उसने ईरान से यूक्रेन जा रहे प्लेन को हिट कर दिया। यहाँ आपको बता दूँ कि ईरान ने जो मिसाइल्स यूएस के मिलिट्री बेसिस को अटैक करने के लिए लॉन्च किए थे, उन मिसाइल्स ने इस प्लेन को हिट नहीं किया है। बल्कि यहाँ हुआ ये कि जब ईरान ने यूएस बेसिस को अटैक किया तो ईरान को लगा तो हो सकता है अमेरिका इसका बदला लेने के लिए उनके ऊपर अटैक कर दे, इसलिए यूएस के हमले से बचने के लिए ईरान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन यहाँ इस डिफेंस सिस्टम से बड़ी गलती हो गई और इसने एक पैसेंजर प्लेन को मिलिट्री प्लेन समझकर मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसके बाद इस मिसाइल ने एक पैसेंजर प्लेन को ही शूट डाउन कर दिया। ऐसा करने वाली ईरान पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। एक बार पहले भी ईरान से ही उड़े एक प्लेन को यूएसए ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझकर एक पैसेंजर प्लेन को ही शूट डाउन कर दिया था। क्या इस प्लेन क्रैश में ईरान की गलती है? कमेंट करके जरूर बताएं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।